हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एक्सेल ज्ञान। मैं हूं विकास। आज के लिए मैं एक अच्छा टॉपिक लाया हूं जिसके लिए आपको लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो हम बात करेंगे आधार। यदि आपको नया आधार बनवाना है या फिर बने हुए आधार में कोई करेक्शन करवाना है तो उसके लिए आप कहाँ पर जाएँ, क्योंकि अभी आधार सेंटर्स बंद हो चुके हैं और आधार गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ सूचीबद्ध बैंकों और पोस्ट ऑफिस में ही इसकी सुविधा दी जा रही है। तो हम यदि आप कहीं नई लोकेशन पे हैं, अपने होम टाउन से बाहर हैं, तो कहाँ पर जाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या चार्जेस रहेंगे, इसके लिए हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है, वहाँ पर आधार टाइप करना है। जैसे आधार टाइप करेंगे तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको पहले ही लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आधार का ऑफिशियल होम पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो चेक करना है, हमें अपने नई जगह पे कहाँ पर किस किस बैंक में आधार और किस किस पोस्ट ऑफिस में आधार सुधार किए जाते हैं या अपडेट किए जाते हैं वो देखना है। तो हमें इसके होम पेज में सबसे नीचे आना है आधार ऑनलाइन सर्विस, और ये जो ऑप्शन दिख रहा है एनरोलमेंट अपडेट सेंटर एंड बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर तीन तरह से सर्च क्राइटेरिया है, एक तो स्टेट वाइज है, एक पिन कोड और एक सर्च बॉक्स वाला। तो सबसे ज़्यादा हम स्टेट वाइज और पिन कोड का उपयोग करेंगे। तो यदि मान लीजिए किसी नए स्टेट पे हैं और आप वहाँ पर देखना चाहते हैं कि आस पास कौन सा है आपके नज़दीक आधार सेंटर, तो आप सर्च कर सकते। जैसे मध्य प्रदेश के लिए देखते हैं तो मध्य प्रदेश टाइप करेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, तो मान लो आप कहीं भी रह रहे हो, भोपाल, इंदौर, तो इंदौर करो। सब डिस्ट्रिक्ट में भी जिस जगह पर रह रहे हो आप वहाँ पर टाइप कर दो। और यहाँ पर आपको VTC या विलेज टाउन सिटी, जो भी कस्बा होता है, वो टाइप करना है। उसके बाद ये ओनली परमानेंट सेंटर्स पर टिक करना है और ये आपको वेरिफिकेशन कोड इंटर करना है। जैसे ही वेरिफिकेशन कोड इंटर करते हैं आप, तो आपके सामने लिस्ट बैंक और पोस्ट ऑफिस की डिस्प्ले कर देता है। ड्रॉप डाउन जाएंगे तो ये लिस्ट है जो कि परमानेंट चालू हैं, लास्ट अपडेट्स के साथ साथ यहाँ पर डिटेल उपलब्ध है। तो आप अपने नज़दीक जो भी हो वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये था पहला। दूसरा, हम पिन कोड के जरिए यदि आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पिन कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करें तो ये ऑप्शन ओपन होगा, यहाँ पर आप नज़दीकी पिन कोड डायल करिए और ये सेम वेरिफिकेशन कोड करके आपको सर्च करना है। वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस और बैंक, जिन जिन बैंक में है, वो आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन से आप कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में क्या होता है, नाम के द्वारा सर्च कर सकते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और यूज भी नहीं होता है। तो ये है ऑप्शन। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आपको इसकी वेबसाइट के सीधे नीचे आना है ड्रॉप डाउन करते हुए, और नीचे यहाँ पर देखना है लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, तो ये आईडी प्रूफ, नेम और एड्रेस के लिए अलग अलग जो डॉक्यूमेंट वैलिड हैं उनकी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा। इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो आप वहाँ लेकर जाएँ और वहाँ पर अपडेट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज के लिए इन्होंने दिया है कि जो भी अपडेट करवाना है तो ₹25 प्लस GST चार्जेस लगेगा 18%, यानी आपका 30-35 रुपये, यानी ₹50 के अंतर्गत चार्ज लगेगा। वो आपको वहाँ पर पे करना है, स्टैंडर्ड चार्जेस है, उसमें कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा अपडेट कराने के 7 वर्किंग डे, यानी कम से कम 3 दिन में तो अपडेट हो ही जाता है, अधिकतम से अधिकतम 7 दिन लगते हैं। तो ये थे आज की आधार की जानकारी। आप बताएं यदि आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।